हुआ बिग बॉस सीजन 13 का पहला फिनाले विद 3 शॉकिंग एविक्शन. रश्मि देसाई, देवोलीना भट्टाचार्जी एंड शेफाली बग्गा हैव बीन शोन द डोर्स बाय द मेकर्स. दो इविक्शन जिनमें से काफ़ी शॉकिंग रहे, क्योंकि टीवी की जो दो पॉपुलर बहुएं जिन्हें हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो फिनाले तक जाएंगी, एटलीस्ट टॉप 5 में तो रहेंगी, लेकिन वो बाहर हो गई. और लेकिन कल का जो एपिसोड था ना, दैट वॉज डेडिकेटेड टू टू पंजाबी कुड़ीज. एक तो जो एग्जिस्टिंग है हमारी शहनाज गिल, और दूसरी वाइल्ड कार्ड एंट्री हिमांशी खुराना, जिनके एंट्री से ही खलबली मच गई बिग बॉस के घर में. और कल का जो पूरा एपिसोड था उसका लाइमलाइट तो हिमांशी अकेली ले गई. तो जी, बिग बॉस हाउस इज फुल अगेन. 6 कंटेस्टेंट्स पहले से थे और कल ज्वाइन किया 6 नए कंटेस्टेंट्स ने, और अब ये 12 मिलके आपको एंटरटेन करने वाले हैं सीजन के दूसरे पड़ाव में, क्योंकि पहला पड़ाव तो खत्म हो गया. लेकिन एक कंटेस्टेंट जिसके आने से खलबली मची, वो रही हिमांशी खुराना. एक्सपेक्टेड था, हमें पता है कि हिमांशी जो है वो शहनाज की पुरानी राइवल है, और जब ये घर में अंदर जाएंगी तो दोनों के बीच हम कैटफाइट एक्सपेक्ट करे थे. लेकिन पहले ही दिन हिमांशी की एंट्री से जो रूप हमने शहनाज का देखा वो अनएक्सपेक्टेड था. और मैडम की शिकायत थी कि हिमांशी ने घर में घुसते ही उन्हें इग्नोर किया, और बस उसके बाद तो हिमांशी तो भाई फुल इग्नोरेंट मूड में थी. वो अंदर गई और बाकी कंडीशन से तो वो बहुत अच्छे से मिल रही थी. दूसरी तरफ शहनाज का जो रूप हमने देखा, वो माइक फेंकने लगी, वो चीखने लगी, चिल्लाने लगी, बिग बॉस से रिक्वेस्ट कर रही थी कि मुझे कन्फेशन रूम में बुलाओ, मुझे नहीं रहना है गेम में, क्योंकि तुमने मेरे राइवल को घर में भेजा है. पता नहीं शहनाज को ऐसा क्या हो गया था. शहनाज के गुड फ्रेंड यानी सिद्धार्थ शुक्ला उन्हें समझाते नजर आए, आरती भी उन्हें समझाती नजर आई कि भाई अभी वो आई है और ठीक है, तुम्हारे जो पुराने किस्से उन्हें तुम्हें घर के बाहर रखना चाहिए. बट शहनाज का रूप जो है वो देखकर हम सब शॉक रहे थे. तो कल का एपिसोड तो पूरी तरह से इन दोनों पंजाबी कुड़ियों के नाम रहा, जहाँ हिमांशी इग्नोरेंट मोड में नजर आई, वही शहनाज पूरी तरह से अटेंशन सीकिंग. मुझे लग रहा था कि वो अटेंशन सीकिंग कर रही हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर शहनाज लगातार छाई रही और ट्विटराटीज उनके सपोर्ट में रहे. वी सपोर्ट शहनाज कल पूरी रात ट्रेंड करता रहा. तो अगर मैं फर्स्ट राउंड की बात करूं शहनाज वर्सेस हिमांशी में, तो यहां तो क्लियरली शहनाज विनर नजर आ रही है, एटलीस्ट सोशल मीडिया पर. फैंस उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं. फैंस का कहना है कि जो भी इनके बीच में इनकी पुरानी राइवलरी है, लेकिन शहनाज ने ट्राई की उसे सॉल्व करने की. वो आगे हिमांशी के पास गई, दोस्ती का हाथ बढ़ाया, लेकिन हिमांशी ने उन्हें इग्नोर किया. लेकिन ट्विटर जो है वो शहनाज के सपोर्ट में है. आप लोग किसके सपोर्ट में हैं? इस बीच आरती सिंह जो है वो घर की पहली कैप्टन बन गई है, एक शॉकिंग टास्क में. बिग बॉस ने सबको कहा था नाम देने के लिए, जो वीकेस्ट कंटेस्टेंट हैं सबने आरती का नाम लिया, लेकिन यहाँ ट्विस्ट हो गया और आरती घर की कैप्टन बन गई. एक उड़ती उड़ती खबर मैं आपको और दे दूँ, ये खबर शायद रश्मि और देवोलीना के फैंस के लिए अच्छी गुड न्यूज़ है. और वो खबर ये है कि शायद ऐसा कहा जा रहा है, सोशल मीडिया पर ऐसी खबरें हैं कि रश्मि और देवोलीना जो हैं वो सीक्रेट रूम में हैं और ये इविक्ट नहीं हुई हैं. अब इस खबर में कितनी सच्चाई है ये तो वक्त ही बताएगा. फिलहाल जो भी और अपडेट होगा इससे जो बिग बॉस 13 से जुड़ी वो मैं आपको देती रहूंगी. लेकिन हिमांशी वर्सेस शहनाज में आप जरूर बताइएगा कि आप किसके साथ हैं. ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे.